हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल्स क्रिएशंस। ये आप देख रहे हैं सहजन। कल वॉक पर गई थी गौशाला साइड, तो वहीं से गुरु बोले कि इसे तोड़ो और ट्राई करो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन के पत्तों की सब्जी। सबसे पहले तो मैंने पत्तियाँ तोड़ ली हैं। मैं इन पत्तियों में से इनके दो हिस्से करूँगी, थोड़ियाँ मैं सब्जी में डालूँगी और थोड़ी पत्तियों को मैं सुखा कर रख लूँगी। बस ये मैंने पत्तियाँ निकाली और ये वाली मैं ड्राई कर लूँगी ताकि बाद में काम आए। सहजन के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, काफ़ी हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन अदरक और हरी मिर्च और प्याज लिया है। प्याज को मैंने थोड़ा मोटा ही काटा है। तेल गर्म हो रहा है, इसमें सारे मसाले मैं डालती जाऊंगी। ये मैंने सबसे पहले हरी मिर्च डाली। मैं यहाँ पे लाल मिर्च नहीं डालूंगी, जो सूखे मसाले होंगे मैं वो भी आपको बता दूंगी। गैस मैंने बाद में ऑन इसलिए की क्योंकि मुझसे तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, क्योंकि साइड में चपाती बना रही हूँ। इसलिए इतनी आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है और इतनी हेल्दी है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के बहुत ही मात्रा में इनमें पाए जाते हैं। पोटाशियम अगर हम देखा जाए तो ये 300 के करीब इसमें जो खनिज पदार्थ और रोगों से लड़ने की क्षमता है। बस इसे जब हमने यूज़ करना है, थोड़ा अगर हम कच्चा यूज़ कर सकते हैं बहुत बढ़िया। भुर्जी इसकी थोड़ी कड़वी होती है पर बहुत ही गुणकारी होती है। ये मैंने बाकी मसाले भी डाल दिए, जैसे कि प्याज थे मेरे पास और अदरक लहसुन था, वो भी मैंने डाल दिया है। सहजन का जो इस्तेमाल है, इसकी ड्रमस्टिक जिसे बोलते हैं, सांभर में बहुत होता है। पर जैसे साउथ में तो ये हमेशा फलियां दे देती हैं, पर यहाँ हमारे यहाँ नॉर्थ साइड अभी नहीं ये फलियां दे रही। तो जो पत्ते हैं इनकी छटाई वगैरह हो चुकी है। जिस दरख्त से मैं लाई हूँ ये काफ़ी छोटा था, मीडियम सा था, तो इसकी भी कटाई छटाई की गई हुई थी। यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे कड़ी के साथ ही साइड डिश के तौर पर सर्व करना है। साइड रेसिपी के साइड पर इसका जो टेस्ट है काफ़ी क्रंची क्रिस्पी सा था, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने सहजन की पत्तियाँ डाल दी हैं, अभी इन्हें पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, नहीं तो खास के बुरा हाल हो जाता है तड़का लगाते। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। यहाँ पे मैंने नमक डाला स्वाद के हिसाब से। अब इसे फिर अच्छी तरह से अमचूर डालकर मिलाऊंगी मैं। अमचूर थोड़ा इसकी जो कसैलापन होता है, जो कड़वाहट है, वो कम करेगा। आप दही भी ऐड कर सकते हैं या इसे पराठे में ऐड करके भी आप बना सकते हैं। ये ऐसे मैं ढककर पका रही हूँ ताकि जो पत्ते हैं वो बैठ जाएं, थोड़े गल जाएं। और आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हाँ, मोरिंगा लीफ के बारे में सर्च जरूर कीजिएगा कि ये कितने फ़ायदों वाली है। अपने घर में इसका एक छोटा सा प्लांट ज़रूर लगा लीजिए, बहुत ही गुणकारी है ये। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए आप अब इसे हम सर्व करेंगे कढ़ी के साथ। बस तकरीबन ये तैयार है, बन गए, ऐसी बनी थी ये। मैं इसे कड़ी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल मेरी सहजन की पत्तियों की सब्जी रेडी।